नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से पूरे दुनिया को चौंका दिया है। चीन के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। कह सकते हैं कि भारत अब ओपनली चीन को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। अब चीनी कंपनी आराम से भारत आएगा, आराम से भारत में FDI निवेश करेगा और जो मन है वो करेगा, आराम से कमाएगा। दोस्तों, भारत के इस फैसले से दुनिया के थिंक टैंक, दुनिया के बुद्धिजीवी अब सदमे में है। आखिरकार भारत सरकार ये क्या कर बैठा है। दोस्तों, यही बात अमेरिका से लेकर यूरोप सब बोल रहा है कि आखिर भारत सरकार ये क्या कर रहा है, चीन को अपने यहाँ न्योता क्यों दे रहा है, आखिरकार दुश्मन को अपने घर में क्यों बुला रहा है, आखिरकार भारत सरकार सांप क्यों पाल रहा है। दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है और बड़ी बात तो यह है कि चाइना ने खुशी से भारत को बधाई तक दे दिया है, भारत को धन्यवाद तक कहा है, बोल दिया है कि हम लोग तो भाई भाई हैं। दोस्तों, चाइना ने बता दिया है कि चाइना भारत भाई भाई। दोस्तों, इसीलिए पूरे दुनिया सदमे में है और बड़ी बात तो यह है कि भारत के टीवी चैनल में डिबेट हो रहा है, सब बोल रहा है कि मोदी जी आखिरकार ये कर क्या रहा है, आखिरकार चीन पे हम लोग भरोसा क्यों किए। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, ये बात आज से नहीं, पिछले 50 साल से दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक, बुद्धिजीवी, तमाम संस्था, तमाम संगठन कई बार रिपोर्ट छापा है, दावा किया है और बताया है कि अगर सचमुच में एशिया को सुपर पावर बनना है, सचमुच में यूरोप और पश्चिमी से ताकत छीनना है, एशिया को बॉस बनाना है, तो उस केस में दो देश को साथ आना जरूरी है, वो है भारत चाइना। और बिना भारत चाइना का कुछ नहीं हो सकता है। और इतिहास देखे तो उस समय भी भारत और चीन मिलकर काम किया था, तब जाके 2000 साल तक एशिया पूरे दुनिया पर राज किया था, यानी कि उस समय भारत विश्व गुरु था और नंबर 2 पे चीन था। तो सिंपल सी बात है, सबने कई बार बोला है कि भारत और चीन अगर मिले काम करेगा ना, तो ये रिकॉर्ड अपने आप बना देगा और केवल 10 साल में ही पूरी दुनिया को पछाड़ देगा। और अमेरिका तो क्या, रशिया तो क्या, यूरोप तो क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, केवल दो ही का सिक्का जमेगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि भारत की बात पता है, जब जब कोशिश किया है चाइना ने, तब तक केवल धोखा ही दिया है, धोखा देके केवल अपना फायदा उठाया है। इसीलिए इस बार दोस्तों भारत आमने सामने में आया था, गलवान घाटी में हिंसा झड़प भी हुआ और दोनों में दोस्तों लड़ाई भी हुआ। कह सकते हैं कि भारत इस बार आर या पार करने के मूड में था, लेकिन फिर से भारत सरकार अब वही सोच लेकर चल रहा है, फिर से एशिया को महाशक्ति बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है और चाइना को बड़ा ऑफर दे दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। देखिए, आप जानते हैं आज से 10-11 महीने पहले भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारा कोई पड़ोसी देश भारत में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकता है, खासतौर पे बाहरी निवेश, खासतौर पे नेबर कंट्रीज आएगा तो बिना भारत सरकार के अनुमति से नहीं हो पाएगा। दोस्तों, खासतौर पे ये चाइना के लिए किया गया था। आप जानते हैं दोस्तों, FDI को लेके भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया था आज से 10-11 महीने पहले, यानी कि जब कोरोना वायरस आया था हिंदुस्तान में, उससे कुछ ही दिन बाद दोस्तों भारत सरकार ने ये फैसला लेके पूरी दुनिया को हिला दिया था। आप पूछेंगे आखिरकार ये फैसला क्यों लिया था, खासतौर पे भारत सरकार अपने पड़ोसी के लिए क्यों लिया था। देखिए, भारत को पता है कि हमारा पड़ोसी चाहे पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका हो या नेपाल हो या फिर म्यांमार हो या फिर भूटान हो, यहाँ से तो हमारे यहाँ पे FDI आने वाला है नहीं, यहाँ से भारत में निवेश आएगा नहीं। पाकिस्तान खुद बड़ा देश है, नेपाल क्या देगा हमें निवेश, और म्यांमार क्या देगा, भूटान क्या देगा। दोस्तों, भारत को पता था कि केवल चाइना से ही भारत में निवेश आ सकता है, FDI आ सकता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उस समय यानी कि आज से लगभग 10-11 महीना पहले भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गड्ढे में फंसने वाला था। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए भारत का शेयर बाजार में हाहाकार मच गया था, तहलका मच गया था। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा शेयर बाजार में गिरावट था। कह सकते हैं कि आज से 10-11 महीना पहले आप देखेंगे दोस्तों, उस समय निफ्टी 50 में क्या हुआ था, निफ्टी 50 दोस्तों कम से कम 7 से लेकर 8 हज़ार हो गया था। कह सकते हैं कि निफ्टी 50 दोस्तों उस समय जहाँ 13,000 रुपये वर्क कर रहा था, वो 7,000 रुपये आ चुका था। बड़ी बात तो यह है कि BSE सेंसेक्स दोस्तों, सेंसेक्स भी दोस्तों जहां उस समय 40 से 42 हज़ार काम कर रहा था, रातों रात 26 से 27 हज़ार रुपये आ गया था। कह सकते कि शेयर बाजार में तहलका मच गया था, हाहाकार मच गया था और वहां पे भारत को बड़ा डर लग गया था। आप पूछेंगे यहां भारत सरकार को डर क्या लगा। देखिए दोस्तों, सबको डर था कि जिस प्रकार से भारत के तमाम बड़े बड़े कंपनियां का शेयर गिर गया है, अगर चीन के बहुत सारे सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी भारत में आके भारत के तमाम सस्ता शेयर को खरीदता, बहुत सारे कंपनी में अपना शेयर होल्ड कर लेता और उसे खास तौर पे ओन करने की कोशिश करता, उसे अपने अंडर ले लेता, तो भारत को कितना नुकसान होता दोस्तों। भारत के बहुत सारे कंपनी चीन के अंदर जा सकता, कह सकते कि भारत फंस सकता था और इसीलिए भारत ने चीन को उस समय बैन किया था। आप पूछेंगे भाई ये क्या बात हुआ, हम तो सुनते हैं कि FDI आने से देश का विकास होता है, भारत सरकार तो पूरे दुनिया घूमता है, बोलता है कि हमारे यहाँ निवेश करो, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, तुम्हें मुनाफा होगा, और FDI के लिए भारत सरकार दिन रात पूरी दुनिया घूमता है, तो आखिरकार चीन को ही क्यों बैन किया।
देखिए दोस्तों, आप जानते हैं आज से 11 महीना पहले सिचुएशन क्या बना था। देखिए मान लीजिए सेब है, ठीक है, उस सेब का प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों 100 रुपया में 1 किलो सेब मिलता है, उसका एक्चुअल प्राइस कितना है 100 रुपया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आज से 10-11 महीना पहले उस सेब का दाम दोस्तों मान लीजिए 100 रुपया सीधे 50 रुपया आ गया, यानी कि जिसका दाम 100 रुपया है ना उसका दाम ऑटोमेटिक 50 रुपया आ गया था। कह सकते कि आधा पे आ चुका था, नुकसान होने गया था दोस्तों, कितना 50% का नुकसान हो गया था। तो यहाँ पे भारत को डर था कि अगर भारत के तमाम कंपनी को खासतौर पे इतना नुकसान हो चुका है और इतना सस्ता शेयर आ चुका है तो हो सकता है बड़े बड़े कंपनियां में चीन सस्ता शेयर खरीद लेता और फिर बाद में जब शेयर महंगा होता तो उस कंपनी को खासतौर पे अपने हैंडल लेने का कोशिश करता। अब आप पूछेंगे तो भाई आखिरकार भारत सरकार अब क्यों चीन को निवेश करने के लिए खुला छोड़ दिया है, आखिरकार चीनी कंपनी अब ओपनली कैसे निवेश करेगा और भारत सरकार को यहाँ पे क्या डर लग रहा है। दोस्तों अब बिल्कुल डर नहीं है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए वही सेब है जिसका दाम पहले कितना था 100 रुपये, यानी कि उसका एक्चुअल प्राइस कितना है मान लीजिए 100 रुपये के जी, अब दोस्तों उसी का प्राइस हो चुका है 180 रुपया। सिंपल सी बात दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 80 रुपया फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, चाहे चीन जहाँ इन्वेस्ट करना चाहे करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल प्राइस है वो 100 रुपया है और उसका प्रॉफिट कितना है अभी 180 रुपया, यानी कि उसका दाम हो चुका है 180 रुपया। तो चीन को अगर मर्जी है कि 100 रुपया से हम 180 में खरीदे तो क्या दिक्कत है, खरीदो भाई, हमें तो फायदा ही फायदा है। लेकिन हम लोग को डर तब था जब वही जो 100 रुपये का सेब है अगर 50 में खरीदता तो हम लोग को केवल 50 रुपये का नुकसान होता दोस्तों, वो देश की अर्थव्यवस्था को होता, क्योंकि उस समय भारत के तमाम जो भी सरकारी कंपनियां था प्राइवेट कंपनियां था सबका शेयर गिर चुका था और उस समय चीन अगर इनमें निवेश करता तो समझिए चीन को कितना मुनाफा होता। दोस्तों भारत को आपको टेंशन नहीं है, चाहे कोई भी शेयर खरीदे कोई भी कुछ करे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे भारत को ही फायदा होने वाला है। इन सब के अलावा यहाँ पे एक चीज साफ संकेत दिया दोस्तों, अब चाइना चाहता है कि भारत से अच्छा मित्रता करे, इतना ही नहीं चीन चाहता है कि आने वाला समय मिलकर काम करे। दोस्तों चीन उसी पे काम कर रहा है, पहले पता है काम क्या क्या गया, पहला काम तो सीमा से अपना सेना हटाया। दूसरा दोस्तों जब चीन वीडियो बनाया ना उस वीडियो में कहीं भी भारत का दोस्तों और पहले नाम नहीं लिया, बोला कि ये तो फॉरेन का ताकत यानी कि बाहरी ताकत था, दोस्तों भारत का नाम बिल्कुल नहीं लिया। उसे पता था कि अगर भारत का नाम लेंगे वीडियो में तो हमारे देश में माहौल खराब हो सकता है, लोग भारत को भरा बोला करेगा और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बन जाएगा, इसलिए दोस्तों भारत का नाम नहीं लिया। चीन चाहता था कि भारत से रिश्ता सुधारे। इतना ही दोस्तों चाइना ने हाल ही में एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, खासतौर पर ब्रिक्स का सम्मान करेगा, ब्रिक्स सम्मेलन के लिए तैयारी कर रहा है, भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसका हम पूरा खासतौर समर्थन करते हैं, हम ओपनली भारत का सहयोग करेंगे और शी जिनपिंग भी भारत जाएंगे, भारत का दौरा करेंगे और हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे, भारत हम लोग का मित्र है, सच्चा मित्र बनेगा। दोस्तों ये बात चीन हाल ही में कहा है, यानी कि सिंपल सी बात करें तो चीन को अगर अब ढीला हो चुका है, चीन चाहता है कि भारत से मित्रता करे। और दोस्तों सच्चाई तो यह है कि ये दोनों के लिए फायदेमंद है, अगर चीन के पास पैसा है अगर भारत में निवेश होता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मंशा साफ होना चाहिए, यानी कि चीन का चाल कुछ और ये गलत होता है। दोस्तों अगर चीन का अगर सोच सही रहे तो कोई इशू नहीं है। आप पूछेंगे भाई फिर भी चीन पे हमें भरोसा नहीं है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए जापान चीन में कितना दुश्मनी था आज से 50 साल पहले भी और आज भी कितना दुश्मनी है, दोस्तों बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, लेकिन फिर भी क्या हुआ 1980 में 1990 में जापान के बहुत सारे कंपनी चीन में गया और वहाँ पर निवेश किया, चीन को आगे बढ़ाया, उससे जापान को भी फायदा हुआ चीन को भी फायदा हुआ, आज भी जापान के कई सारे कंपनी चीन में हैं। इतना ही नहीं अमेरिका चीन में कितनी दुश्मनी है, फिर भी अमेरिकी कंपनी आज बहुत सारा चाइना में काम करता है, वहाँ पर बहुत सारे सामान बनाता है।